हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने एंड्रॉयड वर्जन में आराम से स्पूफिंग कर पा रहा हूँ, वो भी जून अपडेट के बाद। तो आप देख सकते हैं मैं आराम से इस जॉयस्टिक की वजह से आराम से स्पूफिंग कर रहा हूँ, बिना कोई जंपिंग के, बिना कोई एरर के। और जो फेल टू डिटेक्ट लोकेशन आता है या GPS सिग्नल नॉट फाउंड का एरर आता है, वो भी अब इसमें नहीं आ रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे किया होगा, तो डरिए मत, यह सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपका ये वो खुलासा करने जा रहा हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे किया स्पूफिंग और कैसे कर पा रहा हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और मैं आपको एक बार एक पॉकेमॉन पकड़ कर दिखाता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, ये भाई सही बोल रहा है और ये सही में स्पूफिंग कर रहा है। तो चलिए, मैं आपको एक बार ये कॉफिन पकड़ के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कॉफिन को पकड़ लिया, अभी ये थोड़ा होगा। और एक और बात, आपको ये मेरी जॉयस्टिक नहीं दिख रही होगी, आपको ये काला काला दिख रहा होगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, ये मेरा जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डर, ये उस पर कैच नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये आपको काला दिख रहा होगा, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, ये मेरे को दिखेगा। अगर आपको मैं मेथड बता दूंगा तो आपको भी ये आराम से दिखेगा। तो चलिए मेथड स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपना पहले पॉकेमॉन को बंद कर देता हूँ, और ये अपना जो GPS जो है इसको भी अभी बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एक ऐप होगा GPS जॉयस्टिक, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आप देखते जाइए, अभी आपको यहाँ पे जाना है, ये इंस्टॉल हो रहा है जब थोड़ा सा, अभी ये इंस्टॉल हो गया। तो आपको क्या करना होगा, अब अपने इस जो GPS जॉयस्टिक है इस वाले ऐप में आपको इसको ओपन कर लेना है, और सिंपली ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लर्न हाउ टू अनलॉक फीचर्स फॉर फ्री, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये आपको कोई वेब सर्विस मांगेगा तो आपको क्रोम कर देना है एक, और क्रोम करने के बाद अभी ये थोड़ा कुछ होगा, इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अनलॉक फीचर, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, मोस्ट कॉमन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है GPS अनलॉक्ड वाला जो अभी मैंने आपको दिखलाया, इस वाले के ऊपर आपको क्लिक करना है, और ये पूछेगा डाउनलोड करने के लिए। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि ये डाउनलोड हो रहा है, और देखिए ये डाउनलोड बस होने ही वाला है, और ये बस डाउनलोड हो रहा है। और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, आपको क्या करना होगा कि आपका जो प्रीवियस वाला ऐप था ये GPS जॉयस्टिक, आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो ये वाला ऐप था इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, आपको इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन, वो सेकंड ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन है ना प्राइवेसी मोड, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे जाना है जनरेट के बाद पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कोई अपने मतलब नया ऐप है ना आपका जॉयस्टिक, आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू पॉकी जॉयस्टिक। अभी ये हो रहा है, जब तक ये जनरेट होता है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों, अभी बस ये होने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और ये देखिए ये हो गया, और ये ऐसे कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, आप इसको अलाउ कर दीजिएगा यहाँ पे जाके, और ये इंस्टॉल कर दीजिएगा यहाँ पे जाके। तो सिंपली इसको जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे, आगे आप देखते जाइए क्या होता है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपके सामने एक ऐसा आया होगा इंटरफेस, आपको फिर क्या करना होगा, आपकी ये वाली जो GPS जॉयस्टिक है आपको इसको भी फिर अनइंस्टॉल कर देना है। आपके सामने फिर कुछ एक ऐसी जॉयस्टिक बचेगी। वैसे तो अभी मेरे पास ये वाली जॉयस्टिक है जो अभी मैं जिससे इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके सामने ऐसी जॉयस्टिक आएगी। तो सिंपली अब आपको क्या करना होगा कि अब जो मैं आप बता रहा हूँ आपको वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि क्या करना होगा, आपका जो फ़ोन है वो रूटेड होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रूटेड होना चाहिए। और रूट किससे होना चाहिए, मैजिस्क मैनेजर। अगर आपके फ़ोन में मैजिस्क मैनेजर रूटेड नहीं है तो आप ये ट्रिक नहीं कर पाओगे। अगर आपके फ़ोन में मैजिस्क है तो आप ये ट्रिक कर लोगे, अब जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो आप फॉलो करते जाइए, वरना अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
कि आपको अपने मैजिस्क मैनेजर में जाना होगा। मैजिस्क मैनेजर के पास जाने के बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो मैनेजर है ना मैजिस्क, वो अप टू डेट होना चाहिए। अगर अप टू डेट नहीं है तो उसे अप टू डेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ऊपर 3 स्लैश पे जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड्स, डाउनलोड्स पे जाना है आपको। और फिर डाउनलोड्स पे जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली अब क्या करना होगा, आपको अब दो इसमें डाउनलोड्स करने की ज़रूरत होगी। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सर्च के ऊपर जाना है। सर्च पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, एक तो लिखना है आपको BUSY बिजी बॉक्स। आपको सिंपली क्या करना होगा, बिजी बॉक्स नाम का एक ये होगी एप्लीकेशन, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। और ये कुछ अब डाउनलोड होने लग जाएगा यहाँ पे। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ऐसे कुछ आएगा यहाँ पे। अब अभी आप देख सकते हैं ये फ्लैशिंग व्लैशिंग हो रहा है और ये हो गया है। अभी आपको रिबूट पे नहीं दबाना है, अब जो मैं आप बताऊंगा इसके बाद रिबूट दबाना है। आपको बैक जाना है, फिर आपको एक और एप्लीकेशन चाहिए और उस एप्लीकेशन का नाम है ऐप सिस्टमाइज़र। आपको ये वाला एप्लीकेशन एक मिलेगी, आपको सिंपली इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। अभी ये भी इंस्टॉल हो रही है और ये इंस्टॉल होने के बाद अभी ये भी फ्लैश हो गई। अब आपको सिंपली इसको क्या कर देना है, रिबूट। अभी मैं इसको रिबूट नहीं करूँगा क्योंकि फिर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाएगा। आप सिंपली इसको रिबूट कर लीजिएगा। रिबूट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि रिबूट जैसे आप कर लोगे आपको अपने मैजिस्क मैनेजर पर आ जाना है। मैजिस्क मैनेजर पर आने के बाद आपको यहाँ पर 3 स्लैश पर फिर से जाना है और यहाँ पर दिख रहा होगा मॉड्यूल्स। आपको मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेक कर लेना है कि ये जो पहला ऐप सिस्टमाइज़र है और ये बिजी बॉक्स जो मेरा थर्ड पे है, आपका ये फर्स्ट और थर्ड इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, अगर इंस्टॉल हो गया है तो आगे फॉलो करते जाइए। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा टर्मिनल इमुलेटर फॉर एंड्रॉयड, ये वाला है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अभी ये इंस्टॉल होगा और ये इंस्टॉल बस हो गया। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपको क्या करना होगा कि आपको एक बार इसे सबसे पहले थोड़ा चालू करना है, फिर आपको इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपको अपने मैजिस्क मैनेजर में जाना है और फिर अपने सुपर यूज़र में जाना है। और एक मिनट, पहले आपको क्या करना होगा, एक बार थोड़ा सा इस पर कर लीजिएगा। पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा सू, आप जैसे इसको यहाँ पे ये लिख लोगे आपको एक बार एंटर मारना होगा। ऐसा ये आपको कुछ पूछेगा, आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस कर दोगे आपका ये हो जाएगा। अगर आपका यस नहीं मांगता तो यहाँ पे लिखा आएगा सुपर यूज़र परमिशन डिनाइड। आपका जैसे ही हो जाएगा आपको अब क्या लिखना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा सिस्टमाइज, SYSTE सिस्टमाइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यही लिखना है सेम टू सेम पूरा, वरना आपका गलत हो जा सकता है कुछ। आपको सिस्टमाइज लिख के इसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरा क्या लिखा रहा है, सेट सेलिनक्स इनेबल्ड। अभी मेरा क्या लिखा रहा है, फॉल्स। तो आपको अगर आप में भी ज़्यादातर लोगों में आपके में फॉल्स लिखाएगा तो आपको अब देखना पड़ेगा कि आपको अब क्या करना है। तो अगर आप ये फॉल्स से वो ट्रू करना चाहते हैं तो आप देखते जाइए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा अपने ये, आपको लिखना पड़ेगा इसमें थ्री नहीं आपको करना पड़ेगा इसमें एस। आप जैसे इसको या इसमें एस लिख दोगे आपको एंटर मार देना है फिर से। एस करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा सी, सी लिखने के बाद एंटर। और फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा आपको लिखना होगा ओ ज़ीरो। जैसे आप ये लिख दोगे आपको अब लिखना होगा दोबारा SYSTEMIZE सिस्टमाइज। आप देख सकते हैं अब ये मेरा क्या हो चुका है, ट्रू। अगर आपका अभी भी ट्रू नहीं होता है तो आपको दोबारा ये करना पड़ेगा। अब जैसे ही आपका ये ट्रू हो जाएगा, अब फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, अब आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा वन। जैसे ही आप वन लिख दोगे आपको एंटर करना है और ये कुछ अभी लोडिंग करेगा ऐप।
अभी जैसे ये लोडिंग हो जाएगा ऐप, आपको उस एप्लीकेशन को ढूंढना है जिसको आपने मॉडिफाई किया था जनरेट, जैसे कि ये वाला है, आप अभी अभी आपने ये वाला इसको कराए नया नाम दे के, तो आपको सिंपली इस ऐप को ढूंढना पड़ेगा अपने टर्मिनल एमुलेटर पे। तो देखिए इसका नाम है न्यू पॉके जॉयस्टिक, तो इसको हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है। तो ये अभी मेरे है न्यू पॉके जॉयस्टिक 19वें नंबर पे, 19 जो मेरा नंबर है, आपका कुछ और भी हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रहे कि आप अपना ही नंबर वो लिखे कौन सा आपका नंबर है। मेरा भी ये 19वें नंबर पे है, आपका चाहे 20 पे हो सकता है, 21 पे हो सकता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं आप यहाँ पे लिखूँगा 19 न्यू पॉके जॉयस्टिक, तो जैसे मैं इसको 19 लिख देता हूँ और फिर एंटर मार देता हूँ। जैसे ये हो जाएगा आपको फिर क्या लिखना होगा, ये आपको लिखना होगा 2 और फिर एंटर, और फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा वाई और फिर एंटर। जैसे ये हो जाएगा आपका सब कुछ हो गया, और फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा 0 और फिर एंटर। बस आपका ये खेल ख़त्म इसमें, और आपको एक बार क्या करना होगा, फिर आपका सब कुछ क्लोज़ कर देना है। फिर क्लोज़ करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने वही उसी जॉयस्टिक पे जाना है, एक्सेप्ट कर लेना है जो भी कुछ पूछेगा ये, और फिर आपको इस पर इसकी सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको ये, अब जो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इस पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको इनेबल इनडायरेक्ट मॉकिंग, इसको सबसे पहले ऑफ कर देना है। और जो एक जे वाला ऑप्शन है ना, इनेबल सिस्टम मोड वाला ऑप्शन है, एक मिनट ये थोड़ा आ नहीं रहा। हाँ, तो जैसे ही आप इस पर आ जाएंगे, आपको जो जे वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन को ओपन वो कर देना है। आप ये वाले यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनेबल है, इनेबल से लेके लास्ट इनेबल है ना, इन वाले ऑप्शन का आपको कर देना है। और एक ये वाला ऑप्शन है, इसको भी आपको क्या कर देना है, इनेबल। और ये दो जो ऑप्शन है इनको आपको इनेबल नहीं करना है, वरना आपका ये एरर बताएगा GPS सिग्नल नॉट फाउंड, इसलिए आपको सिर्फ यही दोनों करने हैं इनेबल। और सिंपली आपको अपने बैग जाना है, और बैग जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आप कोई भी आप लोकेशन इस पर सेट कर लीजिएगा। और सेट कर लेने के बाद, जैसे आप भी, मैं यहाँ कर लेता हूँ ये सेट, और मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ ये स्टार्ट। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ये हो जाएगा, अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने जाना है पोकेमॉन गो पे। और अभी ये चालू हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। आपको मेरी जॉयस्टिक फिर से नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डर का कोई इशू है, बग है इसलिए। तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है, और देख सकते हैं अभी ये मेरी लोकेशन हो गई है, और मैं यहाँ पे आ गया हूँ सेंटा मोनिका में। और देख सकते हैं मैंने सक्सेसफुली ये कर लिया है पोकेमॉन गो को हैक, और आराम से मैं स्पूफिंग कर पा रहा हूँ। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मैं तो आपको अपना एंड्रॉयड वर्ज़न दिखाना ही भूल गया, तो मैं आपको अपना एंड्रॉयड वर्ज़न दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे गया, और अपना अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा एंड्रॉयड वर्ज़न है वो 9 है, आप देख सकते हैं पाई की रोम है, और ये क्या कहते हैं, सिक्योरिटी पैच लेवल है यहाँ पे 2019 5th जून, आप देख सकते हैं ये 5th जून का मेरा सिक्योरिटी पैच लेवल है, और मेरे तब भी स्पूफिंग हो पा रही है। आप देख सकते हैं मेरी जॉयस्टिक सही तरह से काम कर रही है, और मैं स्पूफिंग बड़े आराम से कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हाँ, आपको कोई इशू आ रहा है अपने पोकेमॉन को खेलने में, जैसे कि कोई एरर वगैरह आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको कोई वो प्रॉब्लम आ रही है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और आपको बताकर अच्छा लगेगा कि ये वीडियो मैंने किसी और से पूछी थी, जिसके वजह से उसने मेरे को ये बताई, और इसलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना पाया। तो थैंक यू, एंड इस वीडियो के बाद आप पोकेमॉन गो को और अच्छे से खेल पाएंगे, और अपना पोकेमॉन गो एंजॉय कर पाएंगे। तो थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।